नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका क्वेश्चन है बी सी डी और ई का वेतन। तो दे रखा है आपको बी सी डी और ई का वेतन, रेशो में दे रखा है 2:3:4:5। ठीक है, तो उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की जाती है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 560 रुपये है, तो बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि यहाँ परसेंटेज में वृद्धि हो रही है ना बच्चे, तो 2, 3, 4, 5 मानेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इसका वेतन 200 रुपये है, इसका वेतन 300 है, इसका वेतन 400 है, इसका 500 है। ठीक है, उसमें कोई चेंज है, सभी को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उनके वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, 20%। अब बी के वेतन में 20% की वृद्धि, इसका वेतन कितना हो गया, 240। आपको सीधा क्या करना है, आपको जिसका वेतन दिया हुआ है, डी का वेतन दिया हुआ है, बढ़ा हुआ वेतन कितना, 560, और डी की वृद्धि कितनी है, तो बी सी डी तीसरे नंबर वाला है ना, तो 20, 30 और 40, 40% की हुई है, 40% की वृद्धि। 400 का 40% 10% होगा 40, 40% कितना हो जाएगा, 160 रुपये। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 560। अगर इसका वेतन पहले 400 रुपये था तो अब 560 रुपये हो गया, और वही तो दे रखा है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, यानी 560 की वैल्यू कितनी है, 560, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है बी सी डी और ई के मूल वेतन का योग कितना होगा। मूल वेतन इसका 200 मानना था, एक की वैल्यू एक है तो इसका तो 200 ही रहेगा, इसका 300 रहेगा, इसका 400 रहेगा, इसको 500 रहेगा, टोटल करके बताना है, 500, 400, 900, 500, 1400, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।